15 दिन हो गए आते हुए, हाँ जी। हम आपको सांसों का ध्यान करवाते हैं, करवाते हैं, 4-5 दिन से एक्सरसाइज भी शुरू करवाई है, हाँ जी। तो आप ये बताओ कि आपको क्या बीमारी थी और कितना आराम हो गया? जी मेरे शरीर में भी जूझ थी, वो आपसे करने से ठीक हो गई। खुजली मचती थी, मतलब पूरे शरीर में? अच्छा, अभी शुगर भी थी, मैं ये करने से मेरा मन, ये अभी शुगर ऐसा लगता अभी शुगर मेरे गई, मेरे मीठा खाती थी, घबराहट होती थी, भाई चक्कर आते थे मेरे को। अच्छा, मेरे को कोई मीठा भी खाऊं तो मेरे को कोई चक्कर नहीं आते, नहीं कोई घबराहट होती। अच्छा, और पैरों में दर्द था? जो पैरों में दर्द तो था जी, है ये थोड़ा कम है जी, पहले जितना नहीं है, ये मैं बैठ भी सकूं, आलती पालती भी मार सकती हूँ। अच्छा, पहले नहीं बैठ सकते थे? मैं बिल्कुल भी नहीं बैठ सकती थी जी, कुर्सी बिना। अच्छा, 15 दिन में इतना बड़ा चमत्कार हो गया, ये कोई छोटा चमत्कार थोड़ी है कि शुगर जिसकी कोई दवाई नहीं है पूरा जीवन खानी पड़ती है, 15 दिन के लिए सांसों की साधना करवाई, सांसों का भजन करवाया आपको, तो उससे आपको इतना लाभ हो गया? हाँ जी, और आज तो जी मैं बिना सारे बैठी हूँ। बिना सारे के आप बैठने लगे हो, जो पहले बैठ नहीं सकते थे? बिना बिल्कुल भी नहीं, दीवार के सारे इसके सारे बैठ सकते। और काम घर पे करने का मन करता है आपका? हाँ जी, काम तो करूंगी, पहले करता नहीं था। मुहाड़ कैसा हो जाएगा दर्द हो गया तो छोड़ दे, फिर पड़े रहो। अच्छा, अब मतलब खुश रहता है मन? हाँ, मन करने को काम करता है मन, तो ये सबसे बड़ी बात है कि काम करने को मन कर रहा है, आलस नहीं सताता, दर्द में फर्क हो गया। और जो आप सांसों का भजन, सांसों का ध्यान हम आपको यहाँ 24 मिनट रोज करवाते हैं, उससे आपको अनुभव भी होते हैं, कुछ कुछ दिखने भी लगा है। हाँ, वो है जी, जी सारी हाथों की अंगड़ी नू झनझनाहट सी होती है। अच्छा, झनझनाहट हो रही थी? हाँ, ऐसा लगता है सारा शरीर तरह कपड़ा है। अच्छा, आज्ञा चक्कर पे जैसे कुछ दिख रहा था, बता रहे थे वो दिख रहा जी, जी वो जिस जी रथ जी अर्जुन का रथ नहीं है, कृष्ण जी सारथी बैठे हैं। अच्छा अच्छा, ऐसे ऐसे जी भाई बैठे हैं, ऊपर पीछे से ऊपर लाल लाल जी नू भाई घोड़े से खड़े हैं। अच्छा देखो, हाँ। क्योंकि अनुभव लोगों को 10-10 साल से साधनाएं कर रहे हैं, हाँ। हमारे पास ऐसे कमेंट आते हैं, उनको अनुभव नहीं हो रहे, आपको केवल 15 दिन में अनुभव होने लगे, तो ये बहुत बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। भगवान का धन्यवाद करो और निरंतर करो, शुगर भी मिट जाएगी, सारे दर्द भी मिट जाएंगे, और ये शरीर जो है, ये देह है, ये देहवाल्य बन जाएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? बबीता जी। बबीता, बहुत बहुत बबीता जी आपका धन्यवाद, आपके इस एक वीडियो की वजह से, इस कमेंट, आपके जवाब, जो आपने अनुभव बताए हैं, लोग जुड़ेंगे, उनको भी फायदा होगा, तो आपको पुण्य मिलेगा। तो ऐसे ही आप अपने अनुभव शेयर करते रहें। जय श्री राम, जय श्री।